आईपीएल 2023 के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रनों से हरा दिया। गुरुवार 27 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें संजू सैमसन की टीम राजस्थान ने बाजी मारी। इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जिसमें दूसरी बार भी राजस्थान ने ही मुकाबला जीता। इससे पहले जब दोनों टीमें भिड़े थे तब राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रनों से हराया था। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार सबसे ज्यादा मुकाबले हराने वाले कप्तानों की सूची में संजू सैमसन दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस मामले में टॉप पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2021 से 2023 के बीच कुल 4 बार मात दी है। वहीं 2018 से 2019 के बीच रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को लगातार 5 बार हराया था। अगर अब प्लेऑफ्स में एक बार और राजस्थान और चेन्नई आमने सामने होते हैं तो संजू के पास रोहित शर्मा की बराबरी करने का मौका होगा। सीएसके के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान 5 बार रोहित शर्मा 2018 से 19, 4 बार संजू सैमसन 2021 से 23, 3 बार रोहित शर्मा 2015 में, 3 बार जॉर्ज बेली 2014 में, 3 बार श्रेयस अय्यर 2020 से 2022 के बीच, 3 बार अनिल कुंबले 2009 से 10 के बीच। मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के 77 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बना दिए। हालांकि 200 के आंकड़े तक पहुंचने में ध्रुव जुरेल का बड़ा हाथ था, जिन्होंने अंत में 15 गेंदों में 34 रनों की उम्दा कैमियो पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल ने भी 13 गेंदों में नाबाद 27 रनों की पारी खेली। चेन्नई की टीम 6 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। राजस्थान के स्पिनरों ने पासा पलट दिया। रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर में अजिंक्य रहाणे और अंबाती रायडू को चलता कर दिया और यहीं पर सही मायने में मैच पलटा। इसके बाद एडम जैम्पा ने 3 विकेट ले लिए, जिससे चेन्नई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे अधिक 52 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड 29 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्लेऑफ्स में चेन्नई और राजस्थान की टीम आमने सामने हो पाएगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के स्टोरीज, खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।